वेलकम टू आवर चैनल सिविल इनसाइट। तो जैसे कि हमारा आज का टॉपिक जो रहेगा हमारा इंजीनियरिंग जियोलॉजी का, वो रहेगा हमारा जॉइंट्स। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था फॉल्ट्स पढ़ा था हमने, ठीक है ना, फॉल्ट्स पढ़ा था, फिर हमने फॉल्ट्स पढ़ा था, तो आज उसी में आएगा हमारा आगे जॉइंट्स। तो जॉइंट्स अब क्या होता है, वो वाला जॉइंट नहीं है ये कि हमने दो चीज़ों को चिपका दिया तो उसके बीच में जो है वो जॉइंट हो गया, तो ये वो वाले जॉइंट्स नहीं है, इनका थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, तो हम वो पढ़ेंगे। ये थोड़ा इंजीनियरिंग के रिलेटेड होते हैं तो हम वो पढ़ते हैं आज। तो जॉइंट्स आर डिफाइंड एज क्रैक्स और फ्रैक्चर्स प्रेजेंट इन द रॉक्स, दिस मे बी स्मॉल साइज। चलो पहले ये देखते हैं, देखो जॉइंट्स आर डिफाइंड एज क्रैक्स और फ्रैक्चर्स प्रेजेंट इन द रॉक्स, तो मतलब कि फ्रैक्चर्स या क्रैक्स को हम जॉइंट्स कहते हैं। देख रहे हो ना आप, जैसे ये देखो, ये एक जॉइंट है, ठीक है, ये इतने हैं, ये भी जॉइंट है, तो ये जॉइंट्स है। ये नहीं है कि अगर हमने दो पत्थरों को मिला दिया तो वो जॉइंट है, नहीं, वो गलत चीज़ हो जाएगी। तो जॉइंट्स क्या होते हैं, क्रैक्स और फ्रैक्चर्स प्रेजेंट इन द रॉक्स, ठीक है ना। दिस मे बी स्मॉल साइज एक्सटेंडिंग फॉर अ फ्यू सेंटीमीटर्स इन लेंथ और एक्सट्रीमली एक्सटेंसिव। देखो या तो एक छोटा सा जॉइंट देखो जैसे कि इतना सा भी हो सकता है या फिर इतना बड़ा भी हो सकता है, ठीक है ना, तो ये सब इन पर डिपेंड करता है। तो वेरी कॉमनली जॉइंट्स एट द रॉक्स डेवलप ऑन अ मोर और लेस रेगुलर पैटर्न, ठीक है ना, कि जॉइंट्स जो हमारे डेवलप होते हैं रॉक पे या तो एक पैटर्न के हो सकते हैं या फिर बहुत ज्यादा पैटर्न के हो सकते हैं या फिर एक रेगुलर पैटर्न भी हो सकता है। जैसे देखो रेगुलर पैटर्न है तो ये रेगुलर पैटर्न के भी जॉइंट हो सकते हैं या फिर एक जॉइंट हो सकता है या फिर इरेगुलर पैटर्न हो सकता है, जैसे कि इसमें है अ नंबर ऑफ पैरेलल जॉइंट कंस्टिट्यूट अ जॉइंट सेट। ये मैं अभी आपको समझाता हूँ, देखो पैरेलल जॉइंट्स, ठीक है ना, अ नंबर ऑफ पैरेलल जॉइंट्स, तो ये जॉइंट जोन नहीं है, जॉइंट जोन भी बोल सकते हो, जॉइंट सेट भी बोल सकते हो। तो ये देखो ये जो हमारे पैरेलल बन के ना जॉइंट रेज जो हमारे यहाँ पे आ गए, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, जॉइंट सेट, ठीक है ना, नंबर ऑफ पैरेलल जॉइंट्स। और एट अ नंबर ऑफ जॉइंट सेट कॉम्प्रोमाइज अ जॉइंट सिस्टम, ठीक है ना, नंबर ऑफ जॉइंट सेट, तो जैसे एक इधर को ऐसे हो गए और ये ऐसे को हो गए, सेट हो गया ना, तो इसे हम बोल देते हैं जॉइंट सिस्टम, ठीक है ना। मैंने डायग्राम सभी अच्छे से ढूंढी है ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए कि जॉइंट जोन या फिर सेट या फिर जॉइंट सिस्टम में क्या आपको डिफरेंस होता है, ठीक है ना, तो ये आपको समझ आ गया होगा। एंड अ नंबर ऑफ जॉइंट सेट्स कॉम्प्रोमाइज अ जॉइंट सिस्टम। Therefore, a study of joint system of an area will include detailed description of various joint sets present. तो मतलब अब हम इसमें लेक्चर में ये बताएंगे कि कैसे कैसे जॉइंट्स होते हैं, तो वो डिटेल स्टडी अभी हम शुरू करेंगे। तो ये डायग्राम आपको समझ आ गई होगी, तो नेक्स्ट करते हैं। देखो क्लासिफिकेशन, अब इसमें टर्मिनोलॉजी नहीं है जॉइंट्स में कोई भी, जैसे हमने फॉल्ट और फॉल्ट्स में पढ़ा था, तो जैसे कि अब इसमें सिर्फ क्लासिफिकेशन आ रहे हैं हम सीधा टॉपिक, तो इसमें सिर्फ दो तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक है ना, एक हमारा होता है ज्योमेट्रिकल क्लासिफिकेशन, ज्योमेट्रिकल क्लासिफिकेशन और एक जेनेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, देखो ये क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द एल्टीट्यूड ऑफ द जॉइंट्स है विद रिस्पेक्ट टू डेट ऑफ द बेड्स, मतलब कि एल्टीट्यूड पे डिपेंड करती है जॉइंट के, ठीक है ना, ये ज्योमेट्रिकल क्लासिफिकेशन एल्टीट्यूड पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो और जो हमारी जेनेटिक क्लासिफिकेशन है वो हमारी बेसिस ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो जैसे कि हम ज्योमेट्रिक क्लासिफिकेशन में देखेंगे, जैसे डिप जॉइंट, स्ट्राइक जॉइंट, ऑब्लिक जॉइंट, ये अगर आपको याद हो तो हमने फॉल्ट्स में भी पढ़ा था, डिप, स्ट्राइक, ऑब्लिक और फॉल्ट्स में भी पढ़ा था, तो ये सब में आता है, तो जॉइंट्स में भी आ गया। तो अब ये तीन तो हम इसमें पढ़ेंगे जो कि हमारे ज्योमेट्रिकल क्लासिफिकेशन, और जो जेनेटिक आएगा वो हमारा टेंशन और शीयर। टेंशन में भी कुछ चार से पांच टाइप्स आते हैं, हम वो भी पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल क्लासिफिकेशन। ज्योमेट्रिकल क्लासिफिकेशन आपको पता है बेसिस ऑन द एल्टीट्यूड ऑफ द जॉइंट्स है, ठीक है ना। तो इसमें क्या आता है, सबसे पहले आता है हमारे डिप जॉइंट्स। अब डिप जॉइंट्स क्या होता है, देखो दोज इन विच द स्ट्राइक ऑफ द जॉइंट इज अलोंग द डिप ऑफ द बेड, तो दोज इन विद द स्ट्राइक ऑफ द जॉइंट, स्ट्राइक ऑफ द जॉइंट मतलब जो स्ट्राइक जैसे क्रैक पड़ा है जो जॉइंट का, वो अलोंग द डिप ऑफ द बेड है। जैसे कि अब इसमें हम देखो आप डायग्राम में, तो डिप जॉइंट है ए, तो ए अब देखो जैसे कि हमारा बेड है ना ये, तो ये वाला हमारा यहाँ से कटा है, तो वैसे ही इसके पैरेलल ही हो गया ना ये इस बेड के पैरेलल है, ठीक है ना, तो वही होता है हमारा डिप, ठीक है ना। और जो ये जॉइंट आ गया तो ये डिप जॉइंट हो गया, ठीक है ना, इस बेड के पैरेलल है। अब जो हमारा स्ट्राइक जॉइंट क्या होते हैं, दोज इन विच द स्ट्राइक ऑफ द जॉइंट्स अलोंग द स्ट्राइक डायरेक्शन ऑफ द बेड, या तो आप कह सकते हो कि स्ट्राइक जो हमारा होता है, देखो स्ट्राइक जॉइंट्स हमारे बी है, या तो वो उसके स्ट्राइक डायरेक्शन ऑफ बेड पे हो सकता है, या फिर आप इसको एक चीज और नाम से बोल सकते हो कि जो हमारे डिप के परपेंडिकुलर है, डिप जॉइंट के जो परपेंडिकुलर होगा उसे हम स्ट्राइक जॉइंट भी कह सकते हैं हम, ये दो डेफिनेशन इसकी हो सकती है। तो ये हमारा स्ट्राइक जॉइंट है, और ओब्लिक तो आपको पता ही है जो दोनों के बीच वाला होता है, देखो दोज इन विद द स्ट्राइक ऑफ द जॉइंट इज नीदर अलोंग स्ट्राइक और नॉर अलोंग डिप डायरेक्शन ऑफ द बेड, तो वही है कि जो ओब्लिक है ये देखो ऐसे टेढ़े जॉइंट्स लगे हुए ना, तो ये हमारे सिर्फ तीन थे इसमें, डिप जॉइंट, स्ट्राइक जॉइंट और ओब्लिक जॉइंट ज्योमेट्रिकल क्लासिफिकेशन में। ये तो बहुत ईजी था, ये आपने उनमें भी पढ़ा होगा क्या बोलते हैं अपने फॉल्ट और फॉल्ट में, तो ये तो बहुत ईजी था। लेकिन जो हमारा थोड़ा इसमें मुश्किल वाला आता है, मुश्किल ही मतलब जो समझने वाला टॉपिक आता है,
वो हमारा था जेनेटिक क्लासिफिकेशन। अब इसमें हमने देखो टेंशन पढ़ना है और शियर जॉइंट्स पढ़ना है, ठीक है, टेंशन जॉइंट्स और शियर जॉइंट्स। टेंशन जॉइंट्स में हम देखते हैं क्या होता है, एज द नेम इंडिकेट्स दीज जॉइंट्स आर फॉर्म ड्यू टू टेंशनल फोर्स और स्ट्रेस, ठीक है ना, टेंशनल फोर्स या स्ट्रेस से होते हैं। द डायरेक्शन ऑफ सच जॉइंट्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ द फोर्स व्हिच टेंड्स टू पुल द रॉक पार्ट, मतलब कि ये टेंशन जॉइंट्स होते हैं ये हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करते हैं। किसके परपेंडिकुलर एक्ट करते हैं, हमारे जो हमारे फोर्स लगी होती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं फोर्स हमने ऐसे बाहर को लगाई, ठीक है, तो इसका जॉइंट कैसे को आया, इस तरफ को आया, देखो ऐसे से क्रैक पड़ेगा ना तो परपेंडिकुलर होना, आप या तो ऐसे ले लो जॉइंट, जैसे मर्जी को जॉइंट ले लो, ये परपेंडिकुलर ही होगा इसके, है ना। तो वही इन्होंने कहा कि जो टेंशन जॉइंट होता है वो हमारे परपेंडिकुलर होता है फोर्स अप्लाइड के, ठीक है ना। अब इन्होंने कहा है कि सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स विच बिलोंग टू दिस ग्रुप आर डिस्क्राइब्ड बिलो, मतलब कि टेंशन जॉइंट्स में भी थोड़े से जॉइंट्स है जो कि इन्होंने क्लासीफाई करवाए हुए हैं, तो हम वो पढ़ते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ना मैंने पहले बता देता हूँ कि मैं बुक से उठाई है, कोई अच्छी बुक से उठाई है, तो आप अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम वगैरह में तो आप इस ये इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल सही होगी, कोई भी आपको टीचर सर कोई भी गलत नहीं करेगा। तो देखो इसमें क्या होता है, कॉलमनर जॉइंट्स होते हैं, मड क्रैक्स होते हैं, शीट जॉइंट्स, मुरल जॉइंट्स एंड टेंशन जॉइंट्स इन फोल्डेड रॉक्स। तो एक एक करके हम ये पढ़ते हैं। देखो कि ये क्या होता है, कॉलमनर जॉइंट्स क्या होते हैं, दीज आर टिपिकल ऑफ इग्नियस वोल्केनिक रॉक्स पर्टिकुलरली बसाल्ट, तो ये बसाल्ट में होते हैं मोस्टली। द टेंशन फोर्सेज आर द रिजल्ट ऑफ कंट्रैक्शन कॉज बाय कूलिंग, तो मतलब कि पहले हीटिंग होती है फिर कूलिंग होती है, तो वो जब कूलिंग होती है उसकी वजह से हमारे जो कंट्रैक्शन होता है उसमें हमारे ये जॉइंट्स अक्कर करते हैं। एज द हॉट लावा कूल्स, वही जो मैंने अभी आपको बताया, न्यूमरस सेंटर्स ऑफ कूलिंग आर फॉर्म्ड, द रिजल्टिंग टेंशनल स्ट्रेस ऑपरेट बिटवीन सच सेंटर्स व्हेन दीज सेंटर्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो व्हेन दीज सेंटर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ प्लेन द फ्रैक्चर्स ऑल डेवलप डेट अराउंड एवरी सेंटर देर आर सिक्स फ्रैक्चर्स, ठीक है ना, मतलब जब भी फ्रैक्चर अकर होता है इसमें कॉलमनर जॉइंट्स में तो सिक्स फ्रैक्चर्स अकर होते हैं और हर एक 120 डिग्री पे बनते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। The whole rock is thus sometimes split into vertical, hexagonal, column. Such joints are termed as columnar joints. तो इन joints को हम कह रहे थे columnar joints. अगर आप diagram में दे सकते हो, ये देखो, ये हमारा columnar joint हमारा occur हुआ, ठीक है ना? अभी कैसे हुआ? देखो, temperature बहुत ज़्यादा, देखो heat हमने दी, फिर इसके बाद एकदम cooling हुई ऊपर, तो ये देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, छः joints दिखाए हुए हैं इसमें, और इसमें सारे 120 डिग्री में होंगे एक दूसरे के साथ, तो यही हमारे कॉलमनर जॉइंट्स होते हैं। और कुछ देखोगे तो आप अगर लाइव पिक्चर्स, तो एक ये री और एक ये री, कुछ इस तरह के हमारे कॉलमनर जॉइंट्स शो करते हैं, ठीक है ना। अगर आपको ये डायग्राम बनाना तो आप ये डायग्राम ये वाला बना सकते हो, इस चीज़ों की ज़्यादा जरूरत नहीं है, अगर आपको बनाना तो बना सकते हो, ये बाकी चीज़ें आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने सारा इसमें एक्सप्लेन कर दिया है, तो ये मैंने साइड में एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो मड क्रैक्स क्या होता है, देखो दीज आर ऑल्सो टेंशन जॉइंट्स फॉर्म्ड इन अ सिमिलर वे एज अ कॉर्नर जॉइंट्स, मतलब कि वैसी हमारे जॉइंट्स बनते हैं जैसे ही हमारे कॉर्नर जॉइंट बनता है, बट हेयर द कॉन्ट्रैक्शन इज बिकॉज ऑफ ड्राइंग ऑफ द मड, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि जब हमारी मड हमारी ड्राई हो जाती है तो उस पर जो क्रैक्स आते हैं हम उसे कहते हैं मड क्रैक्स। एज अ फाइन क्ले मड ड्राइज द टेंशन स्ट्रेसेस ऑपरेट फ्रॉम अ नंबर ऑफ सेंटर्स विद इन अ प्लेन, तो अगर तो हमारी क्ले जो हमारी फाइन होती है वो अगर हमारी ड्राई करती है तो बहुत ज़्यादा टेंशनल स्ट्रेसेस हमारे ऑपरेट करने लग जाते हैं एक ही प्लेन पे, गिविंग राइज टू क्रैक्स इंक्लोजिंग रफली पॉलीगन एरियाज, तो ये देखो पॉलीगन एरियाज टाइप ही है, कहीं है कहीं नहीं है तो रफली है। दीज क्रैक्स आर वाइडर एट द सर्फेस नैरोइंग डाउनवर्ड, तो वही है कि ये सारे डाउनवर्ड को क्रैक्स जाते हैं और बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, देख सकते हैं आप सारा डायग्राम है, मैंने हर एक के लिए लाइव पिक्चर लगाई हुई है मोस्टली जितनी मुझे मिलती है, क्योंकि अच्छे से एक्सप्लेन तभी हो पाता है जब आपके पास एक लाइव इमेज हो दिमाग में ना। तो हमारा आता है देखो शीट जॉइंट्स, शीट जॉइंट्स क्या होता है, दीज आर द हॉरिजॉन्टल जॉइंट्स सीन इन मैसिव इग्नियस रॉक्स टिपिकली डेवलप इन ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट में होता है, ये आपने मोस्टली पहाड़ों पे देखा होगा, देखो कैसे बेड बन जाता है ना, शीट जॉइंट्स ये होते हैं। समटाइम दीज जॉइंट्स आर सो प्रोमिनेंटली डेवलप्ड दैट द रॉक लुक्स लाइक अ बेडेड फॉर्मेशन, ठीक है ना, कि जैसे बेडेड, देखो बेडेड लग रहा है ना पूरा अच्छे से एकदम प्लेन पूरा, है ना, तो इन्हें हम कह रहे थे बेडेड फॉर्मेशन। इट इज ऑब्जर्व दैट सच जॉइंट्स आर पैरेलल टू द अपर सर्फेस ऑफ द रॉक मास, ठीक है ना, इट इज ऑब्जर्व दैट सच जॉइंट्स आर पैरेलल टू द अपर सर्फेस, तो अपर सर्फेस के साथ पैरेलल हो जाते हैं ये, देखो ये अपर सर्फेस अंदर जो जॉइंट्स है सारे अपर सर्फेस के साथ पैरेलल हो जाते हैं। ऑल्सो देर आर क्लोजली स्पेस नियर द सर्फेस गिविंग राइज टू थिन लेयर्स ऑफ द रॉक, तो ये क्लोजली स्पेस्ड होते हैं सारे, ये देखो कितने क्लोज है ना ये सारे, ये देखो इधर को, तो सारे क्लोजली होते हैं जो कि हमें क्या देती है, एक थिन लेयर देती है रॉक की। While as the depth increases, the spacing becomes wider until the rock is all massive and free of joints. तो देखो जैसे जैसे नीचे आते आएंगे ना तो ये बड़े बड़े होते रहेंगे, जैसे इसमें देखो ये छोटे 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 थोड़े से बड़े हो गए, ये देखो कितने बड़े हो गए, तो वही है कि जैसे जैसे हम नीचे आते रहेंगे तो हमारे डेप्थ इंक्रीज होगी तो स्पेसिंग भी वाइडर होती जाएगी।
ये लिखा हुआ है यहाँ पे जो मैं आपको समझा रहा हूँ, द कॉज ऑफ सच जॉइंट्स इज द एक्सपेंशन ऑफ द रॉक्स मास और रिमूवल ऑफ द ओवरलाइंग बर्डन ऑफ अदर रॉक्स एंड सेडिमेंट। तो ये तभी होता है कि जैसे समझो ये रोड काटी है, तो यहाँ से पूरा पत्थर ऐसे होएगा, तो जैसे इन्होंने काटा तो ये थोड़ा सा रिमूवल हो गया ना, रिमूवल ऑफ द ओवरलाइंग बर्डन हो गया ऑफ अदर रॉक्स एंड सेडिमेंट, तो ये ऐसे जॉइंट्स अक्कर करते हैं। दिस फीचर इज ऑल्सो टर्म्ड एज शीटिंग, और इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, शीटिंग कह देते हैं। शीटिंग है ना कि शीट हींग, ठीक है ना, तो शीटिंग है ये। तो मुरल जॉइंट्स, अब मुरल जॉइंट्स पता है क्या होता है, जिसमें ना तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। देखो जैसे कि अब ये लिखा हुआ समझाने से पहले पहले बताते हैं, देखो जैसे एक ब्लॉक है ना, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये जो जॉइंट है हमारा, एक ये ऐसे भी जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है, ठीक है ना, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही हो गया ना, तो वही है, तो सारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर डिपेंड करते हैं। देखो दीज आर, देयर आर थ्री सेट्स ऑफ जॉइंट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर, टू सेट्स आर इन वर्टिकल पोजीशन एंड वन इन हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। ये जॉइंट आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो गया आएगा ये डायग्राम, बाकी इतना कुछ समझने का है नहीं, सिर्फ मैंने आपको जॉइंट दिखाना। देखो ऐसे ऐसे और एक ऐसे, ठीक है ना, ऐसे बन जाते हैं। तो द स्पेसिंग बिटवीन द जॉइंट्स इज मोर और लेस इक्वल टू दैट ऑफ द रॉक स्प्लिट्स इनटू क्यूबिकल ब्लॉक्स, तो वो ये कि क्यूबिकल ब्लॉक्स में ये स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है ना, तो ये ऐसे ऐसा एक क्यूबिकल ब्लॉक्स बन जाता है इनसे। दीज जॉइंट्स आर सीन टिपिकली डेवलप्ड इन ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट्स में मोस्टली हमें दिखते हैं। तो हमारा आता है टेंशन जॉइंट्स इन फोल्डेड रॉक्स, तो ये हमारा लास्ट है इसमें टेंशन जॉइंट्स में। अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन्ड टाइप्स, टेंशन जॉइंट्स आर आल्सो फॉर्म्ड ड्यूरिंग फोल्डिंग ऑफ द रॉक्स। देखो हमने जब फोल्डिंग फोल्ड्स पढ़ा था उसमें भी हमने पढ़ा था कि कैसे हमारा फोल्ड अक्कर होता है, तो उसमें भी अब हम देख सकते हैं कि उसमें भी टेंशन जॉइंट अक्कर हो सकता है। द एक्सियल पार्ट्स ऑफ द फोल्ड्स अलॉन्ग विद द बेड्स आर बेंट आर सब्जेक्टेड टू टेंशन, दस फोल्डेड रॉक्स डेवलप टेंशन जॉइंट्स अलॉन्ग द बेंड्स। अब इसमें समझाता, देखो जॉइंट्स इन फोल्डेड रॉक्स टी से टेंशन जॉइंट्स, देखिए टी से जैसे हमारा फोल्ड हुआ, हमने बोला था ना कि फोल्ड कैसे अक्कर होता है, जब हमारा एक ऐसे होता है तो दो लिम्ब्स बन जाते हैं, तो एक एक लिम्ब है, ये दो लिम्ब है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से ये कितना टेंशन हो रहा है ना, ये पूरा ऐसे ट्विस्ट हो रहा है, पूरा टर्न हो रहा है ना। देखो अगर आप सिंपल एक स्केल है और आप उसको ऐसे करोगे तो यहाँ पे ना क्रैक से डेवलप होएंगे, अगर आपने ग्लास स्केल लिया है, ठीक है ना, शीशे वाला स्केल लिया, तो वही इसमें चीज है। तो इसमें सारा ऐसे टेंशन अक्कर हो जाता है, तो इसी जॉइंट को हम कह देते हैं टेंशन जॉइंट्स इन फोल्डेड रॉक्स। तो ये तो है, लेकिन जो हमारा अब इसमें सेकंड आया था वो हमारा आता है शीयर जॉइंट्स। तो शीयर जॉइंट्स क्या होता है, अब जो हमारे देखो ये तो मैंने ना सारे इसको आपको टाइप्स बताए थे इसके टेंशन जॉइंट्स के, ठीक है। जैसे आपको अगर दिखाऊंगे देखो टेंशन जॉइंट्स के बाद हमारा शीयर जॉइंट्स है, तो बी पार्ट आ गया जेनेटिक क्लासिफिकेशन का, तो ये तो सारे उसके टेंशन जॉइंट्स के थे। अब शीयर जॉइंट हमारा अलग आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट, एज द नेम इंडिकेट दीज जॉइंट्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द शीयरिंग स्ट्रेस, विच टेंड टू स्लाइड और एक्चुअली स्लाइड वन पार्ट ऑफ द रॉक अगेंस्ट द अदर। मतलब ये जो शीयर जॉइंट है ना, ये हमारे रॉक के अंदर ही हो जाते हैं। कैसे होते हैं दिखाता हूँ मैं अभी आपको। जैसे अगर हम यहाँ पर डायग्राम बनाए, तो जैसे ये ऐसे रॉक है, ठीक है ना, ये ऐसे ना, तो ये ऐसे को हो गया, समझो ये ऐसे को हो जाएगा, ठीक है। जो इस पे रॉक होएगा वो कुछ इस तरफ को हो जाएगा, ठीक है ना, ये रॉक। अब ये दोनों ऐसे एक साथ थे ये ऐसे, लेकिन मैं ऐसे क्रैक आया, जॉइंट आया, तो ऐसे हो गया ना। तो जैसे ये चीज आई यहाँ से यहाँ तक को, तो इसे हम इस चीज को हम क्या बोल देते हैं, शीयर जॉइंट बोल देते हैं, ठीक है। वही लिखा हुआ कि वन पार्ट ऑफ द रॉक अगेंस्ट द अदर, तो दोनों एक दूसरे के साथ अगेंस्ट लगे हैं, तो हमारा शीयर जॉइंट अक्कर होता है। लेकिन हमारा शीयर जॉइंट होता है ना फोल्डेड रॉक्स में भी अक्कर होता है, जैसे हमारा टेंशन होता है वैसे शीयर होता है। तो शीयर कैसे होता है, शीयर जॉइंट में भी सीन वेल डेवलप्ड अलोंग लिम्ब्स ऑफ द फोल्ड्स, व्हेन द बेड्स आर सब्जेक्टेड टू फोल्डिंग द लेयर्स विद इन द लिम्ब्स टेंड टू स्लाइड पास्ट वन अदर, द रिजल्टिंग शेयरिंग इफेक्ट में कॉज रप्चरिंग ऑफ द रॉक, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि जो शेयरिंग है ना इसमें भी है, देखो जैसे कि ये लिम्ब्स है ना, अगर ज्यादा इसमें टेंशन अक्कर हुई तो ऐसे ये भी इसको ऐसे लिम्ब से कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारे जो सारे शीयर जॉइंट्स है जो ऐसा है, ये स्लांटिंग में लगते हैं हमेशा, ठीक है ना, ये ऐसे कोई सीधा नहीं लगेगा, मोस्टली ऐसे स्लांटिंग में लगते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारे आज का जो टॉपिक था पूरा जॉइंट्स, तो ये सारा हमारा ये खत्म होता है टॉपिक। देखो बहुत ही ईजी टॉपिक था, फॉल्ट्स और फॉल्ट्स थोड़ा सा था इंपॉर्टेंट, जॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर करना। मोस्टली डिफरेंस ही आता है, तो आप डिफरेंस सारे लिख सकते हैं कि कैसे कैसे क्लासिफिकेशन में डिफरेंस है, कैसे कैसे डायग्राम्स में है, ठीक है ना। तो ये था आज का हमारा जो टॉपिक था ये पूरा जॉइंट्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना, सॉरी लाइक एंड कमेंट करना, और अगर आपको चैनल अच्छा लगे सिविल इनसाइट तो जरूर सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू।